Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हम बेशक ये माने ना माने, लेकिन सपना चौधरी ने, सपना चौधरी का डांस इस पिक्चर में भी है, आपको देखने को मिलेगा, पर साफ सुथरा डांस देखने को मिलेगा, और वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी कलाकार है, उनकी मेहनत रंग लाई। आज आप बात कर रहे हैं सपना चौधरी की कि लोग उसको देखते हैं, उसके प्रोग्राम को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी जर्नी भी तो देखिए आप, कि उसने कैसे छोटे छोटे काम, छोटे छोटे शो करके वो आज यहाँ पहुँची। आदमी पॉपुलर होता है, आज हमारी कितनी बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, हमने पुराने टाइम में अपने देखे कि मुमताज जैसी हीरोइन जो जूनियर आर्टिस्ट थी और जूनियर आर्टिस्ट से वो टॉप की हीरोइन बनी, तो वो स्ट्रगल जो होती है ना वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाती है। आज सपना चौधरी जी का नाम है, वो बिग बॉस में आई, उससे पहले उनके शोज लोग देखने जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को, नहीं तो हमारे हरियाणा में एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं। लेकिन अब ये है कि अब वो ऐसी स्थिति में आ गई है कि अब अच्छा काम करेंगी। हम तो सोच रहे हैं वो पिक्चरों में काम करें और अच्छे अच्छे रोल्स करें, जो रोल्स मतलब आप समझो कि जो अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है, रानी मुखर्जी, काजल वगैरह जो करती हैं, क्यों ना सपना चौधरी इस तरह का कोई रोल करें, वो कर सकती हैं, उनके अंदर वो क्षमता है। तो हम तो ये चाहेंगे, हम तो उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो भी अपना मुकाम बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया है, और आज उनको पूरा एंजॉय करने का पूरा हक है, और वो और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हरियाणा सिनेमा बढ़ेगा तो वो और आगे बढ़ेंगी। हमारे कितने सिंगर जो पॉपुलर हो रहे हैं, विजेंद्र फोगाट कितना पॉपुलर हो रहा है, या विकास कुमार कितना हो रहा है, राजू पंजाबी कितना हो रहा है, सोनिया शर्मा एक सिंगर है, वो हमारी कुरुक्षेत्र के पास से है, उसने हमारी पिक्चर में गाना गाया, या हमने छोरी पढ़ रही है, छोरा की टेंशन पढ़ रही है, हमारा शिवम एक लड़का है करनाल का, उसने गाना गाया करनाल के रिकॉर्डिंग थिएटर में वो हुई। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक मतलब जो है, तो हम बोलना चाहेंगे कि आज वो सिनेमा, इसीलिए हमने सिनेमा ऐसा बनाया है जो एंटरटेनिंग, क्योंकि कोई भी सामाजिक बात अगर कहना चाहते हैं और अगर एंटरटेनमेंट के थ्रू बोलते हैं तो वो सामाजिक बात सुनने का लोगों में पेशेंस होता है। अगर हम बहुत सीरियस तरीके से बोलेंगे तो लोग सुनने में नहीं, तो सीरियस तो घर में होते हैं ना, थिएटर में आएंगे तो एंजॉय करें, और इसीलिए छोरियां छोरों से कम नहीं होती। हमने मेन स्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनिंग पिक्चर बनाने की कोशिश की है ताकि लोगों को ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, कहानी सुने, वो हंसे रोए गाए, वो तब हो, तो वो एंटरटेनमेंट लोगों तक पहुँचता है। फिर जब हमारी पिक्चरें और बन जाएंगी, मान लो 100-200-250 पिक्चर बनी, तो अब जैसे अभी पंजाबी सिनेमा में सीरियस पिक्चरें भी बन रही हैं आजकल, क्योंकि पंजाबी सिनेमा जो है ऑडियंस जो है ट्रेंड हो चुकी है, उनकी तो अब्रॉड भी ऑडियंस बहुत है। तो आज जब हम हरियाणवी पिक्चरें हमारे 100-200 पिक्चरें हो जाएंगी, तो हम किसी सीरियस पे सीरियस पिक्चर भी बनाएंगे, 100% बनाएंगे, और अभी भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई रोक टोक है उसके पीछे बनाएंगे, लेकिन ऑडियंस को ट्रेन करने के लिए कि ऑडियंस हमारी पिक्चरें देखे, उसके लिए हमने ये पिक्चर बनाई है एंटरटेनिंग, और हमने सपना चौधरी का भी डांस है इसके अंदर जो आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत अच्छा उसकी प्रसिद्धि के लिए गाना है, उसकी प्रसिद्धि पर गाना है।